जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा के दिशा निर्देश अनुसार सरकारी संपत्ति का मौद्रीकरण एवं निजीकरण और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जाप भोजपुर जिला इकाई के द्वारा जिला समरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना पार्टी के जिला अध्यक्ष आशुतोष और फिर राजू सिंह के अध्यक्षता में किया गया। जिला अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने बताया कि भारत सरकार सरकारी संपत्तियों का मौद्रीकरण एवं निजीकरण कर पूंजीपति वर्ग के लोगों को खास लाभ पहुंचाना चाह रही है। केंद्र सरकार की जो नीति है उससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चला रहे बल्कि पूंजीपति वर्ग के लोगों का आदेशपाल बने हैं। बनी बनाई राष्ट्र के सरकारी धरोहरों को सरकार निजी हाथों में देना चाह रही है ताकि अमीर लोग और अमीर बन जाएं और गरीब लोग और गरीब हो जाएं। पार्टी के प्रधान महासचिव कमलेश तिवारी ने कहा, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि मोदी सरकार देश को पूंजीपतियों को हाथों बेचना चाह रही है, यह हम लोग हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष लड्डू यादव ने कहा, केंद्र की सरकार बनी बनाई राष्ट्रीय धरोहरों को निजीकरण करने जा रही है, लेकिन नए राष्ट्रीय संस्थान एक भी नहीं बना पा रहा है, जिससे आम जनमानस में बहुत आक्रोश है। एवं बढ़ते महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया है ताकि जो है हमारी मांगें सरकार तक पहुंच सके। आज जिस तरह केंद्र सरकार सरकारी संपत्तियों का निजीकरण करने जा रही है उससे यही लगता है कि केंद्र सरकार जो है पूंजीपति वर्ग के लोगों को खास लाभ पहुंचाने जा रही है। आज केंद्र सरकार की जो नीति है उससे यही फील होता है कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूंजीपति वर्ग के लोगों के आदेशपाल हैं, दलाल भी कह सकते हैं। तो उनकी जो नीति है उस नीति से ऐसा फील हो रहा है कि अमीर वर्ग के लोग और भी अमीर होंगे और गरीब वर्ग के लोग और गरीब होंगे। तो हमारी जन अधिकार पार्टी निजीकरण के बिल्कुल ही खिलाफ है और हम चाहते हैं कि सरकार जो है अविलंब ये जो निजीकरण का के मुद्दे को आगे बढ़ा रही है बिना सोचे समझे, उसको जो है तत्काल बंद करें। प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारी जो भी नीति है उसे आगे चल के आप लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी GST लाए, नोटबंदी लाए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही, 15 लाख रुपए हर एक खाते में लाने की बात कही, सब जो है जुमला निकला। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, जो लोगों के कर का पैसे से बना हुआ है, जो राष्ट्रीय धरोहर है, वो निजी हाथों में जाए। नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग उसको बेचकर और देश छोड़कर भाग जाएंगे। को दलालों के हाथ में बिकना नहीं देना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो है हमारी पार्टी बिल्कुल ही इसके खिलाफ है। एवं दूसरा मुद्दा जो है महंगाई, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो गई है कि आम जनजीवन जो अस्त व्यवस्थ हो गया है। खाने पीने से लेकर हरेक सामानों का इतना मूल्य बढ़ गया है कि लोग जो है बिल्कुल परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो हम लोग आज यहाँ पर रोड पे बैठे हुए विरोध जता रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर पहल करे और निजीकरण करना बंद कर दे। जिला इकाई द्वारा जिला समाधानालय के पास एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम हो गया है। बढ़ती महंगाई और जो केंद्र सरकार द्वारा BJP सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है उसके खिलाफ में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उसमें ये सरकार तनाशाह रवैया अपना रही है। जो निजी संपत्ति है उसको इसको प्राइवेटाइजेशन कर रही है,
ये लोग हम लोग जन अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे खिलाफ आंदोलन। अब बताएं जन अधिकार पार्टी के द्वारा आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है महंगाई को। आज हम लोग जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर पूरे राज्य में जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना राष्ट्रीय संपत्ति का निजीकरण एवं मौद्रीकरण के विरोध हम लोग का आज एक दिवसीय धरना है, जिसमें हम लोग का धरना का मकसद यही है कि जितने भी राष्ट्रीय संपत्ति उसका निजीकरण ना हो, इससे हमारे राष्ट्रहित में बहुत ज़्यादा कमी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि LIC को भी बेचने के लिए लोग तैयार हो चुके हैं, BSNL तक समझिए बेच चुके हैं, जियो के हवाले कर चुके हैं, बहुत सारा चीज़ का मौद्रीकरण निजीकरण कर चुके हैं, जिसके ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग आज आंदोलन करने पर उतारू हो गए हैं और आज एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग सरकार को चेतावनी देने जा रहे हैं कि अगर इसके खिलाफ अगर भी आगे कुछ भी हो रहा है तो हम लोग आगे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। एक दिवसीय धरना आज जन अधिकार पार्टी भोजपुर इकाई के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। यह धरना में लगातार केंद्र सरकार के द्वारा नियोजित जो ये बेच रहे हैं लगातार और बेतहाशा डीजल गैस और पेट्रोल पर जो दाम बढ़ा रहे हैं और जितनी भी देश की सरकारी संपत्तियां हैं वो देश के लगातार इतने तेजी से इन्होंने बेच रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ये देश छोड़कर 10 वर्ष के अंदर ये भागेंगे। जिस